है हमारे चैनल पर। दोस्तों यहाँ मिलेगी देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरें। दोस्तों आज की खबरों में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनके परिवार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि मोदी जी ने अपना घर और परिवार क्यों छोड़ा है और क्यों दूर रहते हैं वो उनकी पत्नी से? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही आप ये तो जानते हैं कि इस समय मोदी जी जो अपना घर और परिवार छोड़कर देश की सेवा में लगे हुए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इस समय मोदी की गूंज जी देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी गूंज रही है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस समय मोदी जी ने जो कि आपका बता दें कि देश का नाम है जो कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया है। दोस्तों यदि आप भी मानते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल बनता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों मोदी जी और उनकी पत्नी और उनके परिवार से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको डिटेल से बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आखिरकार मोदी जी ने अपना घर और परिवार क्यों छोड़ा है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि हालांकि आपने सुना ही होगा कि मोदी जी ने कई बार कहा कि उनके लिए तो 125 करोड़ देशवासी उनके लिए उनका घर और परिवार है, लगातार है जी वो देश की सेवा करते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि क्यों मोदी जी अपनी पत्नी से दूर रहते हैं और क्यों उनसे मुलाकात क्यों नहीं करते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि मोदी जी की जो पत्नी है वो एक रिटायर्ड शिक्षिका थी और आपको बता दें कि उनको वर्तमान में जो 14,000 रुपये पेंशन भी मिलती है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की पत्नी आज भी है खुद के दम पर छोटा मोटा कार्य करके अपना गुजारा करती हैं और ना कि वो किसी के उम्मीद रखती है। वहीं दोस्तों बताया जाता है कि मोदी जी की पत्नी उनके मायके रहती हैं और उनके भाई अशोक के साथ रहती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की जो शादी है वो एक गुजरात के छोटे से गांव में हुई थी। बताया जाता है कि उस समय बड़े ही धूमधाम से मोदी जी की शादी की गई थी और उस समय मोदी जी की उम्र है जो लमसम है जो 24-25 साल की हो सकती थी। आपको बता दें और मोदी जी की जो पत्नी है उनकी उम्र 18-19 साल थी। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की शादी होने के बाद ये शादी सिर्फ 3 साल चली थी। बताया जाता है कि इन 3 महीनों में सिर्फ तीन साल में सिर्फ 3 महीनों के साथ रहा था। फिर दोस्तों आपको बता दें मोदी जी हमेशा से संघ और आरएसएस से जुड़े हुए थे और आपको बता दें वो देश के लिए उनके मन में कुछ चल रहा था और वो देश के लिए कुछ कार्य करना चाहते थे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी जो है धीरे धीरे वो संघ के कार्यक्रम में चले गए और इसी को लेकर जो मोदी जी और उनकी पत्नी के बीच धीरे धीरे दूरियाँ बढ़ना शुरू हो गई थी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी पहले 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और आपको बता दें कि वर्ष 2014 में है जी उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, वो भी बड़े बहुमत के साथ। और साल 2019 आते आते तो है जी उससे भी ज़्यादा बहुमत के साथ एक बार फिर से जी मोदी सरकार सत्ता में वापसी की थी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की पत्नी से पूछे गए एक इंटरव्यू और एक सवाल में कि मोदी जी की पत्नी ने बताया कि पहले यदि उनके पति प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इस समय मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और लगातार है जी वो देश के हित में कुछ बड़ा कार्य करते जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं चाहे कश्मीर से धारा 370 ले लो या फिर 35 ए ले लो या फिर राम मंदिर का मुद्दा, दोस्तों आपको बता दें कि ये मुद्दे काफ़ी सालों पुराने जिस पर है जो कि कहीं पार्टियां बरसों से अपनी रोटियां सेकती आई और सिर्फ राजनीति खेलती आई लेकिन कोई भी पार्टी इन मुद्दों को सुलझा नहीं पाई। लेकिन वहीं आपको बता दें कि जैसे ही मोदी सरकार दोबारा सत्ता में वापसी की, आप जानते हो कि कश्मीर से धारा 370 भी हट चुकी है और 35 और राम मंदिर का फैसला भी हो चुका है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार है जो एक से बढ़कर एक दोबारा सत्ता में आने के बाद डिसीजन लेती ही जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी अपना घर और परिवार छोड़कर है जो सिर्फ निस्वार्थ है जो अपने देश की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि मोदी जी को जब भी समय मिलता है तो वो अपनी माता जी यानी हीरा बहन से मुलाकात करने जरूर जाते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की माता जी की उम्र लगभग 100 साल के आसपास होने को आई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी कुछ पल है जो अपनी माता जी के साथ कभी भी है जो बिताकर जरूर आते हैं। साथ ही मोदी जी के जो भाई हैं वो भी कोई छोटी मोटी फूलों की कोई दुकान चलाकर अपना घर और परिवार चलाते हैं, ना कि वो भी किसी मोदी जी से किसी तरह की उम्मीद रखते हैं।
तो दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी ने है जो कि देश के लिए अपना घर और परिवार तक निछावर कर दिए हैं और लगातार है जो कि वो देश के लिए कार्य करते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि मोदी जी जैसे ही दोबारा प्रधानमंत्री बने और जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरी। ये आप भी जानते हो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है इस समय भारतीय जनता पार्टी, और इस समय देश के कई राज्यों में अपनी सरकार भी बनाई है। इस समय आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी में है जो कि मोदी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है। इस समय आपको बता दें कि मोदी जी है जो कि इस समय देश के लिए कहीं अहम कार्य करते जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार जैसे दोबारा सत्ता में आई और जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से जो कि भारत देश के जितने भी दुश्मन देश थे उनकी भी हालत खराब हो चुकी और अकल ठिकाने आने लगी है। और जैसा कि आपको बता दें चाहे पाकिस्तान ले लो या फिर चीन ले लो, दोस्तों आपको बता दें इनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान में खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वहाँ पर हर एक चीज़ की अजगे वहाँ पर रेट दुगनी से तिगनी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान इस बारे में कभी सोचता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस समय पूरी देश और दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान इस समय ऐसा देश बना हुआ जो कि आतंकवाद को पनाह देता है और वहाँ पर आतंकवाद चलता है, इसीलिए कोई देश उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस समय भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में है, जब चाहे जो कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना अच्छी तरीके से जानता है। और आपको बता दें कि भारत और भारतीय सेना ने है जो बहादुरी के साथ है जो पाकिस्तान को भी कहीं बार दूर चटा चुका है। इस समय आपको बता दें कि पाकिस्तान भी जानता है कि अगर भारत के साथ उलझेगा तो उल्टी उनके ही साथ पड़ने वाली है। इस समय आपको बता दें अब अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो है जी अब पीओके उनके हाथ से निकल सकता है। ये पाकिस्तान भी दोस्तों अच्छी तरीके से अंदर ही अंदर समझ चुका है कि अगर वो भारत के साथ अब पंगा लेगा तो उल्टा अब उनके हाथ से पीओके भी निकल सकता है। तो अब है जो कि पाकिस्तान की तो अकल ठिकाने आ चुकी है, और कश्मीर से धारा 370 और 35 हटने के बाद तो और भी ज़्यादा हालत बिगड़ी है पाकिस्तान की, क्योंकि पहले वो भारत में जो ऊट पटांग हरकतें पाकिस्तान के थ्रू करवाता रहता था, लेकिन मोदी सरकार ने वो सारे रास्ते उनके बंद कर चुके हैं। अब पाकिस्तान अपनी हरकतों से इस समय वहाँ पर हालात ख़राब बने हुए हैं। दोस्तों ऐसे ही बात कर लेते हैं अब चीन की। दोस्तों आपको बता दें कि चीन भी है जो कि अपनी हरकतों से और नए हिंदुस्तान को देख कर है जो कि अपने पाँव धीरे धीरे पीछे जमाना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय चीन भी समझ चुका है कि यह ना कि 1965 वाला भारत बल्कि आज का नया हिंदुस्तान है जो कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना अच्छी तरीके से जानता है। साथ ही दोस्तों आपको चीन भी जानता है कि इस समय वो अगर भारत के साथ उलझेगा तो उल्टी उनके ही साथ पड़ सकती हैं। अब आपको बता दें कि चीन और अपनी हरकत पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो भारत है जी के उसी की उनकी भाषा में जवाब देना अब अच्छी तरीके से समझ चुका है। साथ ही दोस्तों आपकी क्या राय आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल बनता है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।